तो गर्म कैसे हो रखा है? बुखार है, होट है, होते हैं पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा और वो कौन सी पूर्णिमा है? कार्तिक पूर्णिमा, चौथ, करवा चौथ, श्रावण कृष्ण पंचमी, नहीं फाल्गुन, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, महाशिवरात्रि, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया मतलब होली मनाई जाती है। एक मिनट रुको, बंदा मुश्किल से याद करे फिर आप आगे बुला लो। तो याद किया हुआ, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया होली मनाई जाती है, कोड़ा मार होली। होली तो पूर्णिमा को आती है, है? होली तो पूर्णिमा को आती है। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया भैया दूजिया एम द्वितीया, फाल्गुन शुक्ल फुलेरा दूज, फुलेरा दूज, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा होली, कोड़ा मार होली बिनाई अजमेर, पत्र मार होली महावीर जी, महावीर जी करोली, लठमार होली महावीर जी करोली, पत्र मार होली बाड़मेर, और बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर, और इलोजी की बारात बाड़मेर, जन्म मरण प्रण जयपुर का त्योहार, और नाण सांगोद कोटा, और चैत्र कृष्ण कूल ब्रो कूल। तुझे गर्म कैसे हो रखा है? बुखार है, होट है, चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी, इस दिन बासोड़ा का भोग लगाया जाता है। चैत्र कृष्ण एकादशी जोहर मेला चित्तौड़, चैत्र शुक्ल एकम बसंत नवरात्र प्रारंभ, और नववर्ष प्रारंभ, चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर, इस दिन उदयपुर व जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है, और बहन अपने लिए पति की कामना करती है, और भाई के लिए पत्नी की कामना करती है, और यह सर्वाधिक लोकगीत वाला त्यौहार है, और चतुर्थी को जैसलमेर में इस गवर जी की सवारी की जाती है, और पंचमी को नाथ द्वारा में चुंदड़ी गणगौर व गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, अष्टमी को चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी, नवमी को रामनवमी, पूर्णिमा को हनुमान जयंती, सालासर मेला चूरू, और मेहंदीवास मेला दोसा। शाबाश, वेरी गुड। और कोई हालात आ गया? वैशाख से सुना? ना, वैशाख से, वैशाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है धीघा धवर, जहाँ पे जोधपुर में मेला लगता है, कृष्ण पक्ष के अंतर्गत ही कि शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है अक्षय तृतीया, जहाँ जो सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं, पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा, और वो कौन सी पूर्णिमा है? बुद्ध पूर्णिमा। ना, शुरू से नहीं, यहीं से बोल। बुद्ध पूर्णिमा इस दिन क्या होता है? बुद्ध पूर्णिमा हो गई, हाँ बुद्ध पूर्णिमा, इस दिन के मेले बाण गंगा मेला भरता है जयपुर के अंतर्गत, और मातृकुंडी मेला वहां पर चित्तौड़गढ़, और माउंट आबू के नक्की झील मेला माउंट आबू में, और कौन सा है वो मातृकुंड में लगा अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर भरता है, और
कोई नहीं, जीते बता दियो तो ठीक है, आगे चल अपन। वैसाख के बाद में जेठ, जेठ के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को बड़ा अमावस्या, जिस दिन बटवृक्ष की पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन गंगा दशमी मनाई जाती है। भरतपुर में कामा के अंदर अगर मेला लगता है। तुम भरतपुर क्यों करो लेके? सवाई माता, सवाई माता, ठीक। और तुम किस बात में एकादशी? सवाई माधोपुर से कोई गहरा नाता है? हाँ, एकादशी के दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। और इसके बाद वैसा तो आषाढ़ का कृष्ण पक्ष खाली है। हाँ सही है। शुक्ल पक्ष के अंतर्गत शुक्ल पक्ष के वो भद्रा नवमी मनाई जाती है, नवमी की तो भद्रा नवमी। और एकादशी के दिन देवस्योनी एकादशी, देव सो जाते हैं इस दिन। पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। चलो ठीक है, शाबाश। और कौन सुनाएगा भाई, आगे वाले कौन बताएगा? हाँ, सिंधियों के त्योहार, सिखों के, जैनों के, वो कौन बताएगा? कुछ लोगों के याद हो सकते हैं तो बाकियों के भी याद हो सकते हैं। क्यों याद नहीं है? याद है, सुना तो खड़ा हो तो। सुना मुस्लिम त्योहार सुना? पांच त्योहार ले देख। ले। अरे इसमें कौन सा करंट है? ले क्या लड़कियों तेरे सर मारे हैं, ले ले। हेलो, मुस्लिम त्योहार सर हिजरी कैलेंडर के उससे मनाते हैं। इसमें सर अधिक मास नहीं होता है, ये लूनर बेस्ड होता है। उसके बाद सर फर्स्ट जो होता है वो मोहरम, सेकंड सफर, थर्ड महीने मत बोला अपने त्योहार बोल। मोहरम में सर 10 तारीख को होता है ताजिया, धोती ताजिया। क्या होता है ताजिया सर? वो करबला, करबला, ठीक है। उसके बाद सर सफर में 20 तारीख। क्या होता है सफर की 20 तारीख को? नहीं याद है, इस पड़ोसी को देते रहे। खड़ा हो, सुना, बैठ जा। मोहर्रम में 10 तारीख को अब अपने करबला के युद्ध में हुसैन मारा गया था, तो ताजिया उसके याद में ताजिया निकलते हैं। और उसके बाद सफर 40 दिन बाद 20 तारीख को चेहल्लम, और उसके बाद रबी उल अव्वल में 12 तारीख को इस दिन प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्म भी हुआ था और इसी दिन उनकी मृत्यु भी हुई थी। ईद मिला दुल नबी और 12 वफात। और उसके बाद मैंने पी लो नहीं सर। उसके बाद अब क्या रबी उस सानी जमात उल अव्वल, जमात उस सानी, सब खारी को फेस्टिवल नहीं है। उसके बाद रज्जब में शब ए मेरात करके कोई है, उस 28-27 तारीख को, 28 तारीख को उसके उसमें क्या था, उसमें कुरान उसमें नहीं आई थी, कुरान आई थी सर, मैं भूल रहा हूँ। मिराज का मतलब था उड़ना। हाँ, उस दिन प्रॉफेट मोहम्मद साहब मिल के आए थे। नाम है मिराज, मिराज उस अल्लाह से मिलकर आए थे। और फिर उसके बाद आता है अपने शाबान में शब एक केदार, कुरान इस दिन कुरान आई थी। सबे बरात, बरात मतलब बरी हो जाना, पाप के लिए माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं। उसके बाद आता रमजान, रमजान का होली फेस्ट, इनके होली मंथ है, इसमें रोजा रखते हैं। और इसी मंथ कुरान आई थी, सब एक कदरे कुरान आई थी।
उसके बाद शव्वाल में आई थिंक 28 तारीख को जिलकात तो खाली है, और जिलहज में अपने इसमें अब शव्वाल में ईद मीठी ईद है, और ये भाई ब्रदरहुड का फेस्टिवल है, उस दिन मतलब वहाँ गले मिलते हैं, और जिलहज में ईद उल अजा अजा बकरा बकरी ईद ऐसे है। भाद्रपद गए थे हमारे, बता दो भाद्रपद गए, सबका नंबर आएगा, ऐसे बच नहीं पाओगे। भाद्रपद भगवान इसको दे आगे। कार्तिक पूर्णिमा के मेले बता। कार्तिक पूर्णिमा चौथ करवा चौथ। कार्तिक पूर्णिमा के मेले, अच्छा मेले सर सॉरी, करवा चौथ इतनी कैसे याद आ रही है? हो गया कार्तिक पूर्णिमा, इतनी जल्दी नहीं याद आनी चाहिए। चलो भूल गया? नहीं नहीं भूल, चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा मेला कामा सॉरी चंद्रभागा मेला भरतपुर गो पुष्कर कोलायत मेला, पुष्कर मेला कोलायत बीकानेर में मेला, और चंद्रभागा मेला, और रामेश्वरम का मेला। रामेश्वरम में तीन नदियों का संगम है, चंबल सीप और बनास, और पुष्कर मेला, पुष्कर मेल पुष्कर मेला तीर्थों का तीर्थराज, और बावन घाट, और कोंकण तीर्थ, और इनमें चार मंदिर है, ब्रह्मा जी का, सावित्री जी का, गायत्री जी का, रंगनाथ जी का, और सूर्य देव जी का प्रतिमा है बाहर पदवेश पहने हुए, और जो देव सांभर में है जो तीर्थों की नानी देवयानी, एंड तीर्थों का भांजा जो है मचकुंड धौलपुर। क्या बात, वैशाख पूर्णिमा के मेले बता। वैशाख पूर्णिमा मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़, गोमती सागर जालरा पाटन, गोतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़, और नक्की झील मेला माउंट आबू सिरोही। एक रह गया नहीं क्या कुछ? बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर। आपने हरेली अमावस्या के मेले बता।